हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनाडा लाइफ। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइम होम बायर्स घर कैसे खरीद सकते हैं, कैसे उन्हें मॉर्गेज मिलता है, क्या क्या चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं घर खरीदने से पहले, और क्या क्या प्रोग्राम उनके बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको इसमें चीज़ अच्छी लगी, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम दो सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। पहला सिनेरियो फर्स्ट टाइम होम बायर्स जिनको कैनेडा में रहते हुए एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं और 2 साल उनको जॉब करते हुए हो गए हैं, तो वो अब घर लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए। और दूसरा हम कवर करेंगे वो न्यू इमिग्रेंट्स जो आते ही घर खरीदना चाहते हैं या तो, या फिर उनको आए हुए और जॉब करते हुए कुछ मंथ्स हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं और वो घर खरीदना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू इमिग्रेंट्स विथ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा। तो कैनेडा में जब भी आप आते हैं आपको हमेशा यही होता है कि आते ही घर ले लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इमिग्रेंट्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली रेंट पर रहते हैं और फिर अपनी डाउन पेमेंट जमा करते हैं और उसके बाद वो जाके घर खरीदते हैं। तो सारा प्रोसेस जो होता है घर खरीदने का, ये स्टार्ट होता है घर के प्री अप्रूवल से। अच्छा, प्री अप्रूवल क्या चीज़ होती है? प्री अप्रूवल होती है कि बैंक के पास आप जाते हैं, बैंक आपको एक प्री अप्रूवल सॉर्ट ऑफ देता है, इट्स नॉट अ फाइनल अप्रूवल, लेकिन एक आइडिया दे देता है कि हम इतना मॉर्गेज आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट ये होगा, और आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लॉक कर देता है 120 डेज के लिए। तो अब 120 दिन के अंदर अंदर अगर रेट बढ़ जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रेट वही रहेगा, अगर कम होता है तो आपको वो रेट कम करके दे देंगे। तो ये इसे प्री अप्रूवल कहते हैं। प्री अप्रूवल किस तरह से मिलता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो इसके लिए आपको अपनी लास्ट 2 ईयर की टैक्स स्टेटमेंट चाहिए होती है, पर्सनल टैक्स स्टेटमेंट, जिसे यहाँ कहते हैं T2 स्टेटमेंट। तो T2 स्टेटमेंट में जो आपकी इनकम शो हुई हुई होती है, जो आपने गवर्नमेंट को डिक्लेयर करी होती है, उसका 2 साल का वो एवरेज कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी जो सैलरी होती है, इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पर और आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलती है, बच्चों के लिए CCB मिलता है और दूसरे कंट्रीब्यूशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी आप बैंक को बताएं क्योंकि वो भी आपकी इनकम में शामिल करते हैं वो। तो याद रखिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मॉर्गेज में 5,000 की इनकम से बहुत बड़ा बड़ा चेंज हो जाता है, तो इसलिए अपनी हर पूरी टोटल इनकम बैंक को बताइएगा। तो आपकी T2 स्टेटमेंट हो गया, आप अपने गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बताएंगे जो जो आपको मिलते हैं, तो इसकी बेसिस पे वो आपको 4 to 5 times, अच्छा ये आपको कोई बताएगा नहीं लेकिन इनका जनरल जो कैलकुलेशन होती है वो 4 to 5 times होती है आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम पर। सो लेट से आपकी टोटल हाउस होल्ड इनकम घर की लेट से 1 लाख थी, तो आपको 4 लाख से लेके 5 लाख तक का मॉर्गेज मिल जाएगा। अच्छा, मॉर्गेज अमाउंट कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी। इसके लिए आप कहेंगे कि ये 4 times मिलेगा या मुझे 5 times मिलेगा, ये कैसे पता चले? तो होता ये, जब आपका प्री अप्रूवल हो जाता है, आपको एक अमाउंट पता चल जाती है, तो आप अपनी घर की सर्च स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि यार मैं $5 लाख के लिए क्वालिफाइड हूँ, अब जो है मुझे 7 लाख का घर लेना है या 10 लाख का घर लेना है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितनी डाउन पेमेंट है। तो वंस जब आपको घर मिल जाता है तो आप जो है फॉर्मल अप्रूवल के लिए जाते हैं, एक्चुअल अप्रूवल के लिए। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, कनाडा में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ जब कनाडा में जैसे ही आए सबसे पहले काम जो आपने करने होते हैं कुछ, उनमें से एक काम है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड फ़ौरन बनवा लें और क्रेडिट कार्ड रेगुलरली यूज़ करें, और यूज़ इस तरह से करें कि आप यूज़ करें और उसका विदिन जो टाइम लाइन है उसको पे ऑफ करें। ओवर ड्यू नहीं होने दीजिएगा, ओवर ड्यू यहाँ हो जाए तो 3 महीने से 6 महीने तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करें, उससे आपका क्रेडिट इम्प्रूव होता है और आपकी रेटिंग ऊपर बढ़ती रहती है। अब क्रेडिट अगर आपका स्कोर अच्छा होता है तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? मैंने कहा ना 4 times आपको मॉर्गेज मिलेगा या 5 times, ये क्रेडिट हिस्ट्री डिफाइन करती है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आपको शायद 3 to 4 times ऑफ योर एनुअल इनकम मॉर्गेज मिले, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको 5 times ऑफ योर एनुअल इनकम मिल सकता है मॉर्गेज, तो बहुत फ़र्क हो जाता है इससे। इसी तरह इसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट देना होगा, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना होगा बैंक को।
आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट देनी होगी कि अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रही है डाउन पेमेंट, तो बैंक की स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी। आपको अपना पीआर स्टेटस बताना होगा कि आप सिटीज़न हैं या पीआर होल्डर हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं अपने फाइनल अप्रूवल के लिए। अच्छा, डाउन पेमेंट आपने, इसमें दो आपके सिनेरियोज होते हैं डाउन पेमेंट के। एक होता है कि जहाँ पर आप 20% या उससे ज़्यादा डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक सिनेरियो होता है। अगर आप 20% से अलग कर रहे होते हैं उसका अलग सिनेरियो होता है। अब 20% से आप ज़्यादा डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो वो तो एक नॉर्मल सिनेरियो है, उसमें आपने ज़्यादा पैसे दिए सॉरी और आपका मॉर्गेज हो जाता है। 20% से कम मॉर्गेज में क्या होता है कि बैंक आपका मॉर्गेज लेता है लेकिन उसको आपने इंश्योर्ड कराना होता है या बैंक ही खुद इंश्योर्ड करा लेता है। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, CMHSCA सब इंश्योर करते हैं, लेकिन उसका रेट जो होता है वो डबल आपका ऑलमोस्ट हो जाता है क्योंकि बैंक भी चार्ज करता है और CMHSC भी चार्ज करता है रेट, और वो 4-5% आपका रेट हो सकता है सिर्फ CMHC का और बैंक अलग चार्ज करता है। तो ये वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो कहते हैं यार ठीक है इंटरेस्ट ज़्यादा है दे देंगे लेकिन डाउन पेमेंट अभी नहीं है, तो ये उनके लिए फ़ायदा एक अच्छा सिनेरियो हो जाता है कि वो घर खरीद सकते हैं, मिनिमम 5% डाउन पेमेंट पर भी घर खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना होता है, इसके अलावा आप देखते हैं कि मैं पेमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये पेमेंट फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? अब पेमेंट फ्रीक्वेंसी ये होता है कि भाई मैंने जो मंथली इंस्टॉलमेंटें देनी है वो मैं वीकली दूंगा, बाई वीकली दूंगा या मंथली दूंगा। मैं आप, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप डिपेंडिंग ऑन योर इनकम, आपकी कैसी इनकम आती है, क्या रेशो से आती है, क्या फ्रीक्वेंसी से आती है, आप उससे सेट कर लें। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ये करूँगा कि आप अपनी जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है उसे आप वीकली ही कराएं, क्योंकि एक बात याद रखें, अगर लेट से आपकी महीने की इंस्टॉलमेंट 2400 बनती है तो वो वीकली आपकी 600 बन जाएगी, लेकिन 600 से फ़ायदा ये होगा कि आपकी 600 पहले वीक में गई तो आपका 600 जो पे कर दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फिर दूसरा 600 दी तो उस बारे में उसका आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसी तरह होता रहेगा। लेकिन अगर आप मंथली मंथली पे करते हैं तो पूरा महीने पे आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा, फिर आप 2400 देंगे, फिर अगले पूरे महीने तक 2400 पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप, तो एक इंटरेस्ट सेविंग के लिहाज से एक बड़ा अच्छा टूल होता है ये कि आप वीकली पे करें। वेल अगेन डिपेंडिंग ऑन आप अपनी अपनी सैलरी के हिसाब से देख के इसको करिएगा। अच्छा, वंस आपका प्री अप्रूवल हो गया, आपने डाउन पेमेंट अपनी जमा कर ली है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंडिंग एजेंट। अच्छा, कनाडा में रेजिडेंशियल एजेंट जो है ना यहाँ भरे पड़े हुए हैं, आपको हर कोई मिल जाएगा, हर एक ने सर्टिफिकेट लेके रखा हुआ है कि वो रेजिडेंशियल एजेंट है, आपको बड़े ख्वाब दिखाएगा कि सब अच्छे कर सकते हैं। तो ज़रा अच्छा देखिएगा, एक अच्छा एजेंट हो, और अच्छा एजेंट का मतलब ये है कि उसके पास इंफॉर्मेशन हो जो आपको अच्छी डिसीजन दे सके, अच्छी सजेशन दे सके, जिसको मार्केट का पता हो, तो आप वो एजेंट एक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपनी घर की सर्च स्टार्ट करें। अच्छा, घर की सर्च स्टार्ट करने की डिटेल से पहले मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट के और क्या क्या आपको बेनिफिट्स हैं फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। तो सबसे पहले आपका जो आपका RRSP अकाउंट होता है, तो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप जब पहली दफ़ा घर ले रहे हैं तो अपने RRSP अकाउंट से आप फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम ऑफ $35,000, जो कि आप घर खरीदने पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको पता होगा RRSP अकाउंट क्या होता है। RRSP अकाउंट ये होता है कि आपकी जो सैलरी आ रही है आप अगर RRSP में डलवा देते हैं तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं चार्ज करती है, आपका टैक्स नहीं लगता। तो ये आप समझ लें 20-25% आपकी इनकम बढ़ी जाती है अगर आपकी $1,00,000 सैलरी है। तो RRSP में आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं जब जैसे आप आएँ, आपको आपके दिमाग में होता है कि घर खरीदना है, जैसे ही जॉब मिले अपनी RRSP में कंट्रीब्यूशन डालना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये $35,000 आप समझ लें $50,000 आपके जो होते हैं वो बन जाते हैं ये 35, क्योंकि अगर टैक्स कटेगा तो आपको बहुत टैक्स कट जाता है। सो 35,000 आपकी RRSP में आप डलवा के और उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। अच्छा, ये RRSP में जो पैसे 35 आने चाहिए, ये मिनिमम 90 डेज से पहले आ जाने चाहिए, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कल डलवाए RRSP में पैसे और आप विड्रॉ करने आ गए, एटलीस्ट 90 डेज RRSP में रहने चाहिए आपके पैसे। दूसरा ये होता है फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए होता है लैंड ट्रांसफ़र टैक्स जो है वो वेव्ड है। तो लैंड ट्रांसफ़र टैक्स एक अच्छी अमाउंट बन जाती है आपकी, तकरीबन 0.5 या 1% होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ योर परचेज प्राइस, तो $8,000-$10,000 बन जाती है। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ये वेव है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, ये आप लोगों की सीधी सीधी अच्छी खासी सेविंग बन जाती है इससे। अच्छा, घर खरीदने से पहले अपना रिसर्च अच्छी करें, आपने क्या ख़रीदना है, टाउन हाउस लेना है तो उसके क्या बेनिफिट हैं, कॉन्डो के बेनिफिट क्या हैं,
और डिटैच घर के और सेमी डिटैच के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब सोचें और एक अमाउंट में दिमाग में रख लें, उस अमाउंट से बाहर नहीं जाना। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, $1 मिलियन का घर रखा हुआ है, आपने रेंज रखी हुई है, $1.1 मिलियन का पसंद आ गया, आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, ख़रीद तो लिया फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अपना माइंड सेट करके रखने, आपने क्या ख़रीदना है। अच्छा, घर खरीद लिया अगर आपने, जब पसंद आ गया, तो आपने याद रखना है कि आपने कंडीशनल घर खरीदना है। कंडीशन वेव नहीं करिएगा, आपका एजेंट आपको बड़ा पुश करेगा कि कंडीशन वेव कर दें, क्योंकि वो तो कमीशन पे चल रहे होते हैं, उनको तो फर्म ऑफर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कंडीशनल करें, और उससे कंडीशन आप करेंगे लोन अप्रूवल के लिए अपने, और अपने होम इंस्पेक्शन के लिए। क्योंकि जब आप घर खरीद लेते हैं, तब आप बैंक को बताते हैं कि यार ये घर है, अब मेरा लोन प्रोसेस स्टार्ट करो। उस घर के ऊपर वो आपका लोन प्रोसेस स्टार्ट करता है, जो मैंने आपको बताया, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी सब चीज़ें उस घर के ऊपर फिर वो चेक करेगा, वैल्यूएशन करेगा आपके घर की। तो आपने अपना एटलीस्ट 7 डेज़ का, या जितने डे का आपका बैंक बोले अप्रूवल के लिए टाइम चाहिए, वो आपने कंडीशनल कराना है। कंडीशनल कराने से ये फ़ायदा होता है, अगर लेट से आपका अप्रूवल लोन नहीं हुआ, या आप होम इंस्पेक्शन कराई और होम इंस्पेक्शन में कोई घर में मसला आ गया, तो यू कैन वॉक अवे और आप डील से हट सकते हैं कि यार मुझे नहीं चाहिए घर। 7 दिन के बाद या कंडीशन ख़त्म होने के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है वो घर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। चौथी चीज़ जो है बिडिंग वॉर। अक्सर मार्केट्स में ये होता है कि आपको घर कोई गया, तो वहाँ पे 4-5 बायर्स आए हैं और वो ऑफर डालना है और सब खरीदना चाह रहे हैं घर। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर कोई घर ऐसा हो जहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स आ रही हो, तो जस्ट वॉक अवे, बिडिंग वॉर में मत जाइएगा, क्योंकि यू एंड अप पेइंग मोर, हमेशा यही होता है। तो वो घर नहीं, दूसरा घर मिल जाएगा आपको, लेकिन बिडिंग वॉर में मत जाइएगा। इसी तरह बड़े इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर आप कॉन्डो या टाउन हाउसेस खरीद रहे हैं, तो याद रखिएगा कॉन्डो और टाउन हाउसेज में ना मंथली फीस होती है आपकी, मेंटेनेंस फीस कहते हैं उसे। अगर टाउन हाउस फ्री होल्ड है तो नहीं होगी, लेकिन अगर फ्री होल्ड नहीं है तो टाउन हाउस में भी होगी और कॉन्डो में तो होती ही है ये फीस आपकी। और कॉन्डो में तो अच्छी खासी $800 से $1,000 पर मंथ भी हो सकती है। तो खरीदते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो आपने मॉर्गेज करा लिया और बाद में पता चला कि यार ये $1,000 महीने के तो मैंने कॉन्डो के अलग देने, और सारा आपका बजट आउट हो गया। तो इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। अच्छा, घर खरीद लिया तो क्लोजिंग कॉस्ट होती है आपकी, क्लोजिंग कॉस्ट में आपका लॉयर आ गया, लॉयर आपका सारा डॉक्यूमेंट सब चीज़ें देखेगा, तो वो उसका भी देखते हैं तकरीबन $2,500-3,000 वो ले लेता है आपसे क्लोजिंग कराने के। इसी तरह आपका जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, तो इंस्पेक्शन चार्ज भी तकरीबन $750 से $1,000 लेगा। तो ये थोड़ी बहुत आपकी कॉस्ट होती है क्लोजिंग कॉस्ट। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आपने घर खरीद रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ये समराइज करके मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ये सब आपको चीज़ें देखनी होती हैं। इसी तरह न्यू बायर, जो मैंने आपसे कहा था कि जो कनाडा में लैंड हुए और आते ही घर खरीदना चाह रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि दो थोड़े महीने हुए जॉब करते हुए घर खरीदना चाह रहे हैं, तो उनको अपनी प्रूफ ऑफ डाउन पेमेंट दिखाने के लिए अपने फॉरेन बैंक की स्टेटमेंट दिखानी होती है कि आपका पैसे जो आ रहे हैं, लेट से आप आते ही घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने जो पैसे थे कहाँ से आ रहे हैं, उसकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है 6 महीने की। इसी तरह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उनको चाहिए होती है। आप यहाँ तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनी नहीं क्योंकि आप नए हैं, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए होती है। तो ऑन दैट बेसिस फिर बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना मॉर्गेज देना है, आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी है। ज़्यादातर मॉर्गेज जो होते हैं फिर वो इंश्योर्ड करवाता है CMHC से, ताकि बैंक अपने आप को सिक्योर करे। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा आप लोगों को आइडिया दे दूं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कनाडा में दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो गए हैं। बहुत सारे बायर्स जो साइड लाइन पे थे वो दोबारा मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, तो लगता यही है कि जून जुलाई में मार्केट दोबारा बहुत हॉट हो जाएगी। और इस वक्त प्राइसेस डाउन है, तो सब यही सोच रहे हैं कि यार इस वक्त घर लेना चाहिए, और अच्छा टाइम भी है। मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि, रिकमेंड तो नहीं करूँगा, मेरा मेरी अपने ही कैलकुलेशन है कि इस दफ़ा लगता है कि प्राइसेस अच्छी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो सब प्री अप्रूवल्स करा के रखें और मैक्सिमम बेनिफिट्स देखें, अपने रियल्टर से, अपने लॉयर से बात करें, अपने अकाउंटेंट से बात करें, जो मैंने बेनिफिट बताए। इसके अलावा भी कुछ नए बेनिफिट्स मैंने सुनाए आए हैं न्यू बायर्स के लिए, तो वो सब एक्सप्लोर करें ताकि मैक्सिमम सेविंग्स कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से बनाऊँ। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।